हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली चैप्टर नंबर चल रहा है 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कर चुके हैं, लिगेंड्स हो चुका है, पूरे का पूरा बेसिक स्टडी हो चुका है। नाउ स्टार्ट विद द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, यानी कि द स्टोरी नंबर 1। सबसे पहले जो बंदा आया वो है बर्नर। फाइन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज का मेजर टॉपिक है, दैट इज बर्नर। कोई दिक्कत? फाइन। सो यार, इस बंदे ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ओरिजिनेट किस तरीके से किया, क्या क्या इसने बोला, वो सारी की सारी बात हम इसमें करने वाले हैं। ऑब्वियसली कुछ तो गलत बोलेगा तभी नई थ्योरीज आएंगी। कोई दिक्कत? क्लियर। तो ये वैसा ही है जैसे हर चैप्टर में चलता है, हम पहले एक थ्योरी पढ़ते हैं, पहले एक महापुरुष आते हैं, फिर उसके बाद एक महापुरुष आते हैं, फिर उसके बाद एक महापुरुष आते हैं, एंड वो पुराने वालों को गलत करते जाते हैं। तो वर्नर ने क्या बोला था? फाइन, वर्नर ने बोला एवरी सेंट्रल मेटल एटम पोजेस टू टाइप ऑफ वैलेंसीज। देखो, हर सेंट्रल मेटल एटम की, जैसे बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, अगर हम यहां पे लें CONH3 6 Cl3, ये हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है। तो हर सेंट्रल एटम की दो तरह की वैलेंसीज होती हैं, ठीक है ना। पहली वैलेंसी को हम प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं, सेकंड वन इज, नाम से क्लियर है, सेकंड वन इज सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है ना। प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी देखिए, इट सेटिस्फाइज द चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर ऑन द सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि यार प्राइमरी वैलेंसी तो वो है जिसके कारण सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज आया है, ठीक है ना। यानी कि बड़ा सिंपल सा फंडा है, अगर हम यहां पे इसको x ले लें, ये आ गया 0, ये आ गया -1, अगर हम इसे सॉल्व करें x - 3 = 0, x = +3, तो बेसिकली ये जो +3 आ गया है, ये इसका क्या है? प्राइमरी वैलेंसी। यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर प्राइमरी वैलेंसी हमारे पास क्या है? प्लस। कोई दिक्कत? प्राइमरी वैलेंसी होती है जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर है, बस सिंपली लगा लो, जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपकी क्या है? प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है ना। एंड सेकेंडरी वैलेंसी है नंबर ऑफ लोन पेयर्स डोनेटेड। फाइन, यानी कि कितने लिगेंड्स लगे हुए हैं। पर यार, हम डायरेक्टली इसे लिगेंड लगा हुआ नहीं बोल सकते, बिकॉज हमने ये बात टाइप ऑफ लिगेंड्स में भी पढ़ी थी, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, ठीक है ना, जो दो जगहों से लगे हुए हैं। अब दो जगह से लगा होगा तो दो लोन पेयर डोनेटेड आ जाएगा ना। तो अल्टीमेटली अगर मैं सिंगल वर्ड में आंसर करूं तो प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर, एंड सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। यानी कि हाउ मच लोन पेयर्स आर डोनेटेड टू द सेंट्रल मेटल एटम, क्लियर। एंड अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर निकालें, यार ये 6 है, अमोनिया एक मोनोडेंटेड बंदा, यार एक लोन पेयर देता है, हर अमोनिया एक लोन पेयर देता है, यहाँ पे हमारे पास 6 अमोनिया है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी क्या निकल के आएगी? 6 निकल गया। कोई दिक्कत? फाइन, उसने बोला हर सेंट्रल मेटल एटम, अभी थ्योरी खत्म नहीं हुई, बहुत कुछ बाकी है। फाइन, उसने बोला, ये तो शुरुआत है, उसने बोला कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दो तरीके की वैलेंसीज होती हैं, ठीक है ना। देन उसने जो बोला वो ये बोला कि ये जो है ये आयोनाइजेबल है एंड दिस इज नॉन आयोनाइजेबल। अब यहां पर बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से कंफ्यूजन होती है, इसीलिए हम इसे स्टार मार्क करेंगे, बिकॉज ये बात तो सही है। देखो, बड़ा सिंपल सा फंडा है, ये तो वो लोग हैं जो अपना लोन पेयर दे रहे हैं, यानी कि विच आर एक्टिंग एज अ लिगेंड, ठीक है ना, यानी कि विच आर एक्टिंग एज अ लिगेंड।
तो जो लिगेंड की तरह लग रहे हैं वो तो हमने डे वन को ही कर लिया था, क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिगेंड्स कभी डिसोसिएट नहीं हो सकते, अपने आयंस में कभी भी अलग नहीं हो सकते, तो ये बात तो क्लियर है कि ये नेचर में क्या है, नॉन आयनाइजेबल। वो जो बंदा लोन पेयर दे रहा है आप उसके आयन को अलग नहीं कर सकते, पर यहाँ आयनाइजेबल के ऊपर स्टार मार्क क्यों लगाया, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर। देखो हमने कल बहुत सारे एग्जाम्पल करे थे आईयूपीएससी के, तो हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन नंबर तो यार लिगेंड के कारण भी तो आ सकता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहां पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं CONH3 5 CL CL। अब अगर आप इसको देखो, देखो इसके ऊपर भी प्लस 3 चार्ज है पर वो -1 और -1, यानी कि इसके कारण और इसके कारण दोनों के कारण है। पर आप एक बात याद रखिए, आप इसको तो डिसोसिएट करा सकते हो पर इसको डिसोसिएट नहीं करा सकते यार, वो CL जो ब्रैकेट्स के अंदर है आप उसे आयनाइज नहीं करा सकते पर इसको करा सकते हो। इसीलिए प्राइमरी वैलेंसी में मैंने स्टार मार्क लगाया, ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, बहुत ज्यादा बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, उनको लगता है कि शायद शायद सिर्फ काउंटर आयन ही प्राइमरी वैलेंसी होती है, उस हिसाब से तो ये 2 रह जाएगा, पर आंसर 3 ही है। यहाँ प्राइमरी वैलेंसी का आंसर 3 ही है। देखो कई बार बच्चों को लगता है आयनाइजेबल के हिसाब से कि यार जो बाहर है वही है प्राइमरी वैलेंसी, नहीं, प्राइमरी वैलेंसी उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, प्राइमरी वैलेंसी उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर लिगेंड एंड बाहर दोनों के कारण आ सकता है। फाइन, जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो लिगेंड एंड आउटर कम यानी कि काउंटर आयन इन दोनों के कारण ही हो सकता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। पर एक बात याद रखेंगे कि अगर लीगेंट है उसको डिसोसिएट नहीं कराया जा सकता, एंड जो काउंटर आयन है उसको डिसोसिएट कराया जा सकता है, ये आयनाइजेबल है विद अ स्टार मार्क। हाँ ये पक्का है, वो बंदा जो एज अ लीगेंट लगा हुआ, बिकॉज लोन पेयर तो लीगेंट ही डोनेट कर रहे हैं, वो जो एज अ लोन पेयर लगा हुआ है वो नॉन आयनाइजेबल है, बाहर नहीं निकल सकता। क्लियर, देन हम इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इसको हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते, यानी कि कुछ इस तरीके से, इसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई दिक्कत? तो ये जो एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं इसको थोड़ा सा और खोल के करते हैं, एंड देन पूरी थ्योरी पढ़ने के बाद हम ये चीज देखेंगे एक्चुअली में यार इस बंदे के दिमाग में ये चीज आई कहां से, यानी कि ऐसी कौन सी ऑब्जर्वेशन हुई। ये बहुत कम करवाया जाता है पर स्टिल हम लोग करेंगे फॉर द कंसेप्ट क्लैरिटी कि इसके दिमाग में ये कहां से आया। लेट्स हैव इट। सो बिफोर गोइंग टू दैट कि उसके दिमाग में ये सब आया कहां से, हम कर लेते हैं एक एग्जांपल। लेट्स हैव द एग्जांपल CONH3 6 CL। फाइन, सो बड़ा ही सिंपल सा फंडा है यार, इसको x ले लिया, इसको 0, इसको -1, तो ये सॉल्व हो गया, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा +3। इसका प्राइमरी वैलेंसी है 3, सेकेंडरी वैलेंसी है 6। क्लियर, बिकॉज सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, प्राइमरी वैलेंसी इसका चार्ज होता है यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है ना। अगर मेरे को ये बनाना हुआ तो बड़ा ही सिंपल सा फैक्ट है, देखिए बीच में बनाया कोबाल्ट NH3 एंड फाइन। सो हर NH3 अपना लोन पेयर दे रहा होगा, ये आ गया, तो एवरी NH3 इज गिविंग इट्स लोन पेयर, फाइन, एंड इसको किस तरीके से शो किया जाता है, एक सॉलिड लाइन से। फाइन, हमने लोन पेयर डोनेटिंग करके नहीं दिखाना है, हमें दिखाना है वर्ना ने कैसे बताया, वर्ना ने बोला कि सेकेंडरी वैलेंसी को दिखाओ सॉलिड लाइन से, लो जी दिखा दिया, ठीक है ना। अब लोन पे चाहे उड़ा दो, यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है, तो समझाने के लिए मैंने बनाए थे, वरना वर्नर ने कैसे बोला था, वर्नर ने बोला लीकेज को सॉलिड लाइन से जोड़ दो। अब ये जो सॉलिड लाइन से जुड़ा हुआ है मन में क्लियर है, ये जो सॉलिड लाइन से जुड़ा हुआ है ये मन में क्लियर है कि यार ये वो लोग हैं जो लीगेंड है, ये जो सॉलिड लाइन से जुड़ा हुआ है ना, तो मन में क्लियर है कि ये वो लोग हैं जो लीगेंड की तरह काम कर रहे हैं, यानी कि लोन पे दे रहे हैं। अब बात करते हैं 3 प्राइमरी वैलेंसी की, यानी कि ये, अब मुद्दे की बात यह कि ये तीनों ही बाहर हैं, तो ये अल्टीमेटली डॉटेड बना के CL एंड दोस हु आर डॉटेड आर आयनाइजेबल इन नेचर, ये भी आयनाइजेबल है
ये भी आयोनाइजेबल है एंड ये भी आयोनाइजेबल ही है। क्लियर? कोई भी दिक्कत? कोई भी दिक्कत? नाउ एक और एग्जांपल की मूव करते हैं। वो एग्जांपल क्या है? थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको। लेट्स डू सम चेंज। दिस इज 5, दिस इज Cl एंड देन C। यहां पे क्या है? देखिए यहां पे एक क्लोरीन लीगेंड बन गया, पर इस क्लोरीन के कारण, इस क्लोरीन के कारण क्या चार्ज आ रहा है? बिल्कुल। देखिए यहां पे -1 -1 -1 -2 अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो x, ये अगर हमने सपोज x ले रखा है, वैसे 3 आएगा, x -1 -2 = 0, x = 3, फाइन। तो इसके कारण चार्ज तो आया, यानी कि ये वाला क्लोरीन डॉटेड भी है एंड सॉलिड भी। आर यू गेटिंग इट? 5 अमोनिया है, ये तो सॉलिड है, क्यों? बिकॉज ये तो अपना लिगेंड दे रहे हैं, फाइन। 2 क्लोरीन ऐसे हैं जो नेचर में आयनाइजेबल है, ये भी आयनाइजेबल है, ये भी आयनाइजेबल है। नाउ व्हाट अबाउट दिस क्लोरीन? ये क्लोरीन एक ऐसा क्लोरीन है जो एज अ लिगेंड लगा हुआ है, पर इसके कारण चार्ज भी आ रहा है। दो चीजें हैं, क्या क्या है? प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। पर जरूरी नहीं है कि हर ऑक्सीडेशन नंबर, जरूरी नहीं है कि हर ऑक्सीडेशन नंबर एक आयोनाइजेबल बंदे से ही आ रहा हो। यार ऑक्सीडेशन नंबर तो लिगेंड के कारण भी आ सकता है। अगर ये लिगेंड के कारण आ सकता है तो ये ऐसा भी हो सकता है कि नेचर में क्या आ जाए? नॉन आयोनाइजेबल आ जाए। क्लियर? नेचर में क्या आ जाए? नॉन आयोनाइजेबल। इस चीज को समझिए, ये क्लोरीन आयोनाइजेबल है, ये क्लोरीन आयोनाइजेबल है, पर दिस क्लोरीन इज नॉन आयोनाइजेबल। कोई दिक्कत? क्लियर? क्या यार, अब सोचने की बात है कि इस बंदे के दिमाग में ये सब आया कहां से, ठीक है ना? फाइन, तो लेट्स डू सम एक्सपेरिमेंटल थिंग जो इसने करके देखी होगी, जिससे इसे ये बात पता चली होगी, एंड देन हम इसे दोबारा रिकॉल करेंगे सो दैट देयर विल बी फुल क्लैरिटी। लेट्स हैव इट। सो उस बंदे ने एक्चुअली में किया क्या, यानी कि ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, वर्नर ने एक्चुअली में क्या किया था, उस चीज के बारे में डील करते हैं। देख, उसने ना चार कंपाउंड्स लिए, COCl3.6 अमोनियम, COCl3.5 अमोनियम, COCl3.4 अमोनियम एंड COCl3.3 अमोनियम। फाइन, उस टाइम पे कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो था नहीं, बिकॉज ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बोला या थ्योरी दी। फाइन, तो उस टाइम पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का फंडा तो था नहीं, ठीक है ना? तो इसी बंदे ने स्क्वायर ब्रैकेट का फंडा बनाया, यानी कि तो ये बंदे ने किया क्या? इसे ये चार कंपाउंड ले लिए। ये बंदा इस बात के लिए बहुत श्योर था कि चारों के चारों केसेस में, इन ऑल द 4 केसेस कोबाल्ट इज प्लस 3। भाई कोबाल्ट तो प्लस 3 है। फाइन, इसने किया क्या? इन चारों का AgNO3 के साथ रिएक्शन करा दिया। अब ये ले लिया एक्सेस में हर एक, यानी कि AgNO3 का कोई लफड़ा नहीं है। देखो आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, चीजें अगर लिमिटिंग के ऊपर ऑब्जर्व करें तो ज्यादा अच्छा सा आंसर आएगा, ज्यादा अच्छे ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट्स निकल के आएंगे। तो ये चीजें लिमिटिंग होगी बिकॉज ये एक्सेस में है, तो जो भी रिजल्ट आएगा ऑन द बिहाफ ऑफ दिस थिंग आएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? तो उसने देखा ये जो Ag है, ये जो Cl है, बिकॉज Cl निकलेगा उसके आयन टूटेंगे ना, उसके आयन टूटेंगे, इसका कोबाल्ट आयन टूटना चाहिए एंड Cl बनना चाहिए, तो भाई AgCl बनेगा, यहां भी बनेगा, यहां भी बनेगा। पर जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसने देखा कि 4th केस में नहीं बना, एंड सबसे बड़ी बात जो उसको देखने के साथ एकदम से अचंभा लगा, वो हैरान हुआ, वो ये थी
कि अगर यहां x ग्राम बन रहा है ना, तो यहां 2x ग्राम बन रहा है एंड यहां 3x ग्राम बन रहा है, यानी कि अल्टीमेटली यहां 3 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, तो यहां 2 तो यहां 1 बन रहा है। ये क्या लफड़ा यार, सेम बंदा लिया COCl3 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 AgNO3 चारों में एक्सेस में डाला, यहां AgCl बना ही नहीं, यहां x बना, यहां 2x बना, यहां 3x बना। अरे ये क्या लफड़ा यार, कुछ तो गड़बड़ हुई यानी कि। तो उस बंदे का दिमाग चला, वो उस बंदे का दिमाग क्या चला कि अगर यहां 3 गुना AgCl बन रहा है, इसका मतलब ये तीनों क्लोरीन आयोनाइजेबल है। पर यहां पे अगर इससे रिलेटिवली रेशियो में ट्वाइस बन रहा है, यानी कि ये अगर 3 है तो ये 2 बन रहा है, तो यहां पे सिर्फ 2 ही क्लोरीन आयोनाइजेबल है। एंड यहां पे अगर रिलेटिवली एक्स ही बन रहा है, इसका मतलब सिर्फ 1 क्लोरीन आयोनाइजेबल है। एंड सबसे बड़ी बात, अगर यहां AgCl बन ही नहीं रहा, देखो ये तो बनेगा ही बनेगा, तो लफड़ा कहां है यहां पे, यानी कि यहां Cl- नहीं बन रहा होगा, यानी कि यहां नो AgCl या Cl- आयोनाइजेबल। तो मुद्दा आ गया आयोनाइजेबल। फाइन, अब थोड़ा सा फील आ रहा है कि वहीं पहुंच जाएंगे जहां से हमने शुरू किया था, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली उसने बोला यहां 3 क्लोरीन आयोनाइजेबल है, यहां 2 है, यहां 1 है, यहां कोई आयोनाइजेबल नहीं है। तो उसने बोला इसको ना हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, सीओ को NH3 के साथ जोड़ देते हैं एंड जो चीजें आयोनाइजेबल है उनको बाहर रख देते हैं। और इसने बोला कि इसमें 2 क्लोरीन आयोनाइजेबल है, उसमें से 2 को बाहर रख देते हैं। इस तरीके से लिख देते हैं कि 1 को अंदर कर देते हैं, 2 को बाहर कर देते हैं। एंड यहां पे हम 1 क्लोरीन को बाहर रखना है, मतलब 1 क्लोरीन को आयोनाइजेबल बनाना, तो यार उतनी बाहर रखो बस, क्योंकि इनको देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे चारों एक जैसे हैं। कह रहा है यार इतनी कंफ्यूजन क्रिएट मत करो, ऐसा मत करो, इसको देख के तो ऐसा लग रहा है चारों बंदे एक जैसे, ऐसा मत करो यार, इसको देख के दुखा हो जाता है, दुखा मत करना। आप बनाओ यहां 3 क्लोरीन है, बिकॉज यहां कुछ ही नहीं AgCl बन रहा है, यहां x बन रहा है, यहां 2x, यहां 3x, इसका मतलब यहां 3 क्लोरीन आयोनाइजेबल है, यहां रिलेटिवली 2 है, यहां 1 ही है और यहां कोई भी नहीं है। तो कह रहा शो करो, कहता शो करो। अच्छा इसको कहता इस तरीके से बना लो, ये जो है ना इसको इस तरीके से बना लो, NH3 4 Cl 2, 2 क्लोरीन अंदर रख लो, 1 रख लो बाहर, एंड इसमें इसमें सारे के सारे क्लोरीन अंदर। भाई ये जो चार आंसर लिखे हैं मैंने, वो बिल्कुल एंड पे लिखने चाहिए थे, आई हैव लेस स्पेस, आप बिल्कुल एंड पे बना लीजिए ये चारों के चारों। अल्टीमेटली उसने बोला कि इस तरीके से लिखा जाना चाहिए, एंड फिर उसने बोला कि जो बाहर है वो आयोनाइजेबल है, एंड जो अंदर है वो नॉन आयोनाइजेबल, जो बाहर है वो आयोनाइजेबल है, यहां 3 बाहर है आयोनाइजेबल है, यहां 2 बाहर है आयोनाइजेबल है, 2 यहां, 1 बाहर है आयोनाइजेबल है, यहां कुछ भी बाहर नहीं है, तो कुछ भी आयोनाइजेबल नहीं है। हेंस बर्नर वाज एबल टू गिव दिस पर्टिकुलर थ्योरी कि 2 तरीके की वैलेंसीज है, सेकेंडरी वैलेंसी एंड प्राइमरी वैलेंसी। पर एक बात का ध्यान रखना है, प्राइमरी वैलेंसी सिर्फ और सिर्फ आयोनाइजेबल वाली नहीं है। प्राइमरी वैलेंसी क्या है, प्राइमरी वैलेंसी है ऑक्सीडेशन नंबर एंड सेकेंडरी वैलेंसी है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोई दिक्कत, फाइन। तो ये जो बाहर है वो आयोनाइजेबल है, जो अंदर है वो नॉन आयोनाइजेबल है, ऐसा बर्नर ने बोला, कोई दिक्कत ना। ये वो बर्नर की थ्योरी समाप्त, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था। फाइन, लेट मी रिकॉल इट, उसने ये सारे एक जैसे बंदे लिए, AgNO3 के साथ एक्सेस में रिएक्शन कराया, यहां AgCl नहीं बना, यहां अगर x बना तो यहां 2x, यहां 3x बना। तो उसने बोला कि यार सबके Cl निकलने में गड़बड़ है, अलग अलग है, यहां Cl 3 निकले हैं, यहां 2 निकले हैं, यहां 1 और यहां नहीं निकला है, तभी तो यहां AgCl नहीं बना। तो उसने बोला 3 निकले हैं, 2 निकले हैं, 1 निकला है, तो उसे उस हिसाब से ही शो करो, यहां 3 बाहर दिखाओ, यहां 2 बाहर दिखाओ, यहां 1 बाहर दिखाओ, ऐसा करके वो ब्रैकेट्स का फॉर्मूला देने वाला पहला ऐसा इंसान था। कोई दिक्कत, गलत कहां हो गया यार, गलत नहीं हुआ, बंदा बिल्कुल सही है, पर एक छोटी सी गड़बड़ है,
देखो याद है तुम्हें इसमें कैसे साइज बनाया था? याद है इसमें क्या साइज बनाया था? इसने बोला कि इसको हम इस तरीके से बनाते हैं, क्वार्ट NH3 एंड NH3 एंड डॉटेड बना के क्लोरीन बना दिए। या इसने बताया कि इतने लिगेंड है तो कौन सी शेप बननी चाहिए। याद है क्लास 11 में केमिकल बॉन्डिंग में करते, चार होते हैं तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए, छह होते हैं तो ये होना चाहिए, पांच होते हैं तो ये होना चाहिए, दो होते हैं तो ये होना चाहिए, लीनियर आना चाहिए, बेंट आना चाहिए, टेट्राहेड्रल आना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल आना चाहिए, इतना कुछ तो करते हैं। ऐसा कुछ बोला क्या इसने? इसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की शेप बताई क्या? नहीं बताई ना। अरे नहीं बताई तो फिर अगली थ्योरी आएगी जिसको हम पढ़ेंगे कल। टिल देन लगे रहिए, मैं आपके साथ हूं। बेस्ट ऑफ लक।